इस देश में अगर काउंटर रेवोल्यूशन हो गया तो वो भी इसी की मदद से होगा। बहुत गंभीर बात कह रहे हो आप लोग। इस देश में अगर काउंटर रेवोल्यूशन हो गया तो ओबीसी की मदद से होगा, और इस देश में रेवोल्यूशन हुआ तो भी ओबीसी की मदद से ही होगा। ध्यान रखना, बहुत दो बातें बहुत अहम कि काउंटर रेवोल्यूशन, अभी देखो जो कुछ भी संविधान के विरोध में या बहुत सारी बातों के विरोध में बातें हो रही है, वो करने का काम आरएसएस के लोग कर रहे हैं, मगर करने का श्रेय नरेंद्र मोदी को दिया। नरेंद्र मोदी कहता मैं पिछड़ा हूं, चाय बेचने वाला हूं, मगर उसकी जाति जो है वो घिसड़ी है, जो गुजरात में हमारे ग्रामीण सिस्टम में हाथ से जो घुमाकर घानी जलाकर जो तेल निकाला जाता है गांव देहात में, मान लेना तो वो उसकी जाति का नाम है गुजरात में घिसड़ी। मतलब बैकवर्ड ही नहीं है नरेंद्र मोदी, मोस्ट बैकवर्ड। आप लोगों को समझना जरूरी है ये बातें, क्योंकि ये सारा राजनीति का संदर्भ है। नरेंद्र मोदी बैकवर्ड ही नहीं है, मोस्ट बैकवर्ड है, और उसकी संख्या गुजरात में पांव टका में पांव है। पांव टका में पांव के नगर पालिका में और ग्राम पंचायत में पंच चुनकर लाने की संख्या नहीं है। जो गांव का पंच चुनवा कर नहीं ला सकते वो देश का प्रधानमंत्री आरएसएस ने इसी वजह से नॉमिनेट किया, ये विद्रोह नहीं कर सकता। समझ रहे, बहुत प्लानिंग भी वो सारा का सारा माइक्रो लेवल का करते, इसलिए बता रहा हूं। तो नरेंद्र मोदी का यानी बैकवर्ड क्लासेस के लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं ये ब्राह्मणाइजेशन के लिए। ज्यादा ब्राह्मणाइजेशन जो है हो रहा है वो नरेंद्र मोदी के आने के बाद। अब देखो ज्यादा बड़े पैमाने पर, मतलब सरकार का ये जो ब्राह्मणाइजेशन हो रहा है इसको हमारे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हिंदुआइजेशन कहते हैं, और हिंदुआइजेशन कहने से उनकी मदद करते हैं। जितने लोग पढ़े लिखे इसको हिंदुआइजेशन कहेंगे उतने लोग ब्राह्मणों की मदद करते हैं, क्योंकि देखो लोकतंत्र में चाकू छुरी बंदूक गोली नहीं चलाई जा सकती है, लोकतंत्र में शब्द ही शस्त्र है। बंदूक गोली चाकू छुरी नहीं चला सकते, लोकतंत्र में हथियार शब्द ही है, शब्द ही शस्त्र है। ये हमारे संत है महाराज ठाकरे तुकाराम, उन्होंने कहा शब्द ही शस्त्र है। मतलब मैं कोई काल्पनिक बात नहीं कह रहा हूं, हमारे संत रे जिसकी हत्या हुई संत की महाराजता में, उसने तुकाराम ने कहा शब्द शस्त्र है, और मैं उसका काम करता हूं ऐसा कहा। तो मैं आपको ये कह रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं, मैं कभी भी ये नहीं कहता हिंदुआइजेशन मुस्लिम्स और ब्राह्मणों के बीच में जो बहुत बड़ा टकराव होता है, उस टकराव में मुस्लिम्स लोग भारत को भारत कभी भी नहीं कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। ब्राह्मण लोग पिछले 90 साल से ज्यादा समय कोशिश में लगे हुए कि हिंदुस्तान कहा जाए, मगर अभी तक ब्राह्मण कामयाब नहीं है, मगर मुसलमान पहले से ही हिंदुस्तान कहता है। उनको यह समझ में नहीं आ रहा कि हम इनडायरेक्टली ब्राह्मणों की मदद कर रहे हैं, उनके लिए खतरा है। शब्द के रेफरेंस भी बता, शब्द कितने खतरनाक होते हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि मैं कभी इसको हिंदुआइजेशन नहीं कहता। हिंदुत्व क्या है, हिंदुत्व मूलता क्या है, हिंदुत्व ब्राह्मणवाद की विचारधारा का प्रचार करने के लिए बदला हुआ रूपांतरित नाम है, शब्द है, क्योंकि ब्राह्मण 100-150 साल पहले खुलकर ब्राह्मण के नाम पर प्रचार करते थे,
मगर आज उनको ब्राह्मण के नाम पर प्रचार करने से खतरा लगता है। वो 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ उसने हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार दिया और वो वोट का अधिकार रखने वाले लोगों की संख्या देश में अगर माइनॉरिटी को मिलाया जाए तो 85% है और माइनॉरिटी को माइनस कर दिया जाए तो ये 74.5% है। तो ये जो लोग हैं ये इतने परसेंटेज लोग हैं जिनको 21 साल के आधार पर वोट का अधिकार मिला। अगर ब्राह्मण खुलकर ब्राह्मण के नाम पर प्रचार करे कि इतने लोग ब्राह्मण के विरोध में खड़े हो जाए, समझ, इतने लोग 85% लोग ब्राह्मण के विरोध में खड़े हो जाएंगे। अगर हम राजपूतों का डी ब्राह्मणाइजेशन कर दे तो 85 में 6% ऐड हो जाएगा। मतलब हम लोग जो कर रहे हैं ना बगैर सोचे समझे नहीं कर रहे। और इंसानी फितरत में एक बात आपको बताता हूं, मेरा मूल क्या है, ये जिज्ञासा हमेशा रहती है। मेरा मूल क्या है, मेरी जाति का मूल क्या है, उसकी जिज्ञासा हमेशा उसके मन मस्तिष्क में रहती है और वो ढूंढने की कोशिश करते रहता है, उसको मिलता नहीं है। इसलिए रिसर्च करने वाले लोगों का ये काम होता है, ये काम राष्ट्र की है। और इसमें ये जो इतने पेज में लिखा हुआ है ये समझ में नहीं आएगा, ये आम आदमी को ये समझ में नहीं आएगा। इसके लिए सारे देश भर में हम लोगों को एक अभियान चलाना होगा और अभियान की शक्ल में समझाना होगा, प्रचार की शक्ल में समझाना होगा, उनका अपना इतिहास समझाना होगा। मैं पहले कहता था हम लोग मूल्यवासी है, अभी 2-3 साल से मैं कह रहा हूं कि नहीं, हम लोग नाग लोग है, नाग ही मूल्यवासी है और मूल्यवासी ही नाग है। अभी 2-3 साल से मैं, क्योंकि मेरे भी बुद्धि का विकास होते रहता है, जैसे जैसे मेरे पास डाटा आता है, जैसे जैसे जानकारी आती है, मैं विश्लेषण करते रहता हूं और फिर अपने अंदर जो है सुधार करते रहता हूं। इस हिसाब से मैं आपको यह बता रहा हूं।